कुछ दिनों से बीजेपी की नवनीत राणा AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर हावी दिख रही हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तोप बताया था, तो वहीं इसका पलटवार करते हुए नवनीत ने बोला था कि राम भक्त हर गली में घूम रहे हैं और मैं एक सैनिक की बेटी हूँ, ऐसी तोपे तो हमारे दरवाजे पर सजावट के लिए रखते हैं। राणा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अपने भाई तो थोड़ा नियंत्रण में रहना सिखा दें, वरना ऐसी तोपे तो हम दरवाजे के बाहर रखते हैं। मोदी जी के शेर और राम के भक्त हर गली में हैं और मैं भी जल्द हैदराबाद आ रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका छोटा भाई एक तोप की तरह है जिसे इन्होंने काफ़ी मुश्किल से नियंत्रित किया है। ओवैसी बोले कि छोटा भाई तो एक कैनन है, सालार का बेटा, और आप क्या चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ। नवनीत राणा अभी फिलहाल हैदराबाद की भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार कर रही हैं। इसी दौरान नवनीत राणा ने बोला था कि अगर सिर्फ 15 सेकंड के लिए पुलिस को ड्यूटी से हटा दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि ओवैसी के बंदूक कहां से आए थे और कहां को चले गए। दरअसल भाजपा के प्रचार के दौरान ये 15 सेकंड की बात ऐसे आई कि 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक प्रचार के दौरान कहा था कि अगर देश में उन्हें हिंदू मुस्लिम जनसंख्या बराबर करने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए जाएँ तो वह इसे कर दिखाएंगे। नवनीत ने इसी बयान का जवाब देते हुए कहा कि छोटा भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो फिर दिखाएंगे। अरे मैं उसे ये कहना चाहूँगी कि प्यारे छोटे भाई, सिर्फ 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो और फिर देखो, ये पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहाँ से आए थे और कहाँ को चले गए। इस पर ही असदुद्दीन ओवैसी की भी टिप्पणी आई कि मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की 15 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए, और जोर देकर ये दिखाया कि वो बीजेपी के नेताओं से बिल्कुल भी नहीं डरते। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि मैं PM से कहूँगा कि आप 15 सेकंड नहीं बल्कि पूरा 1 घंटा दीजिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं, आखिर हम भी तो देख लें कि आप में कितनी इंसानियत बाकी है।